फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके गुल रेसिपीज। आज हम सीखेंगे क्रिस्पी चना नमकीन। तो चलिए देखते हैं। नमकीन चना बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है। 250 ग्राम काबुली चना जो कि मैंने रात भर भिगो कर रखे हैं, देखिए इस तरह से ये फूल कर तैयार है। 500 ग्राम तेल, हींग चुटकी भर, ये ऑप्शनल है, अगर आप हींग का टेस्ट पसंद करते हैं तो डाल लीजिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साइट्रिक एसिड स्वादानुसार, काला नमक 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार। नमकीन चना बनाने के लिए सबसे पहले हम भीगे हुए चनों को पानी से निकाल लेंगे। अब इन्हें कुकर में डालेंगे, फिर चने के लेवल जितना पानी भरेंगे। अब गैस पर कुकर रखकर हाई फ्लेम पर एक सीटी ले लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और कुकर में से बची हुई स्टीम भी तुरंत निकाल लेंगे। अब कुकर खोलकर चनों को छलनी पर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये चने पूरी तरह से सीजे नहीं है, लगभग कच्चे ही रखना है। अब चनों को एक कॉटन कपड़े पर फैलाकर लगभग 5 मिनट तक फैन के नीचे सुखा लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए चने अब अपने सूख कर तैयार है। अब हम तेल गरम करने रखेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम होने के बाद चनों को इस तरह से झारी में रखकर गरम तेल में डालेंगे। अब आँच सिम कर देंगे। चने कभी कभार फूट कर उछल जाते हैं, इसलिए केयरफुल रहिए। चने कढ़ाई में डालने के बाद उसके ऊपर झारी को इस तरह से उल्टा रख दीजिए और आप थोड़ा दूर हट जाइए। अब लगभग 2 से 3 मिनट में चने फूल कर ऊपर आने लगेंगे। अब देखिए हमारे चने ब्राउन होकर ऊपर आ गए हैं, वजन में भी हल्के हो गए हैं। इसका मतलब चने तलकर पूरी तरह से तैयार है। अब इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी पूरे चने भी तलकर निकाल लेंगे। इसमें हल्का सा तेल दिख रहा है वो रहने देंगे, इससे हमारे मसाले अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। अब मसाला तैयार करेंगे। मैं खरड़ में तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो मिक्सर का उपयोग भी कर सकते हैं। खरड़ में लाल मिर्च पाउडर, साइट्रिक एसिड, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक सब डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने से मसाले का टेस्ट और टेक्सचर एक जैसा हो जाएगा। अब ये पिसा मसाला चने में अच्छी तरह से मिला देंगे। मसाले आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमारे नमकीन चने सर्व करने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।